हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड तीन न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो देखो, मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर जिसकी लंबाई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। और मान लो रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो देखो, जो रेजिस्टिविटी होती है रो ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल वो क्या होती है, m बाय n e स्क्वायर टाउ। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अभी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो मान लो ये मेरी कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, तो क्या होता है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद वेरी हाई स्पीड, और स्पीड का ऑर्डर क्या होता है, 10^5 m/s, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन भी होंगे ऑब्वियसली। तो जो टाइम इंटरवल होता है ना बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब देखो, एक तरह से रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर वन ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ऑन नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कि भाई मेरा मटेरियल कौन सा है, ठीक है। और सेकंडली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अब रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कैसे कर रही है देखो, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी समझ में आएगा। तो देखो, मान लो मैं इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होने लग जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ठीक है। तो जो टाइम इंटरवल है ना बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, और रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं ना इनडायरेक्टली, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब मान लो हमने n फिक्स कर लिया, मतलब कोई मटेरियल चूज कर लिया, कंडक्टिंग मटेरियल फिक्स कर लिया, मतलब n फिक्स हो गया एक तरह से। अब मैं जैसे जैसे उस कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। n तो हमने फिक्स कर लिया क्योंकि वो मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल फिक्स कर लिया ना, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना उस कंडक्टिंग मटेरियल का, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटेगा क्योंकि कोलिजन्स विल बी मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो टाउ घटने से क्या रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। और देखो, मान लो एट टेम्परेचर टी नोट रेजिस्टिविटी है रो नोट,
मान लो एट टेम्परेचर टी, मतलब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता गया, टेम्परेचर टी पे रेजिस्टिविटी होगी रो, थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाया बाय डी टी, तो रेजिस्टिविटी होगी रो प्लस डी रो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऐसा पाया गया है, इट इज फाउंड दैट जो यहां से यहां तक जो ये वेरी स्मॉल इंक्रीज आया ना इन रेजिस्टिविटी डी रो, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रो इंटू में डी टी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा ना जब मैं, तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कुछ लिखना होगा, वो होगा अल्फा, ठीक है। तो डी रो बाय में रो इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अल्फा क्या है यहां पे? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, एट टेम्परेचर टी नोट रेजिस्टिविटी रो नोट, एट टेम्परेचर टी रेजिस्टिविटी रो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, वन बाय रो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग रो, लोअर लिमिट रो नोट अपर लिमिट रो इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो लोग रो बाय में रो नॉट ये कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू में टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो एक तरह से अल्फा बाय में अल्फा नॉट ये क्या हो गया? ई की पावर या एक्सपोनेंशियल बोल दो, अल्फा इंटू में टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो रो कितना हो गया? रो नॉट इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा इंटू में टी माइनस टी नोट, ठीक है। अब इसको खोल दो, रो इज इक्वल टू रो नोट, इसका एक्सपेंशन लिखो, वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, मतलब अल्फा टी माइनस टी नोट का स्क्वेयर बाय में टू फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे जो अल्फा होता है ना ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, और ये होता है नियरली, ऑर्डर की बात करूं 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे अल्फा स्केयर बनेगा। तो ये जो आगे वाली टर्म्स होंगी ना इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, अल्फा स्केयर और स्मॉल हो जाएगा टेंस टू जीरो, तो इन टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं आगे वाली टर्म्स को, ठीक है। तो ये आ गया रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू में वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। जब टेम्परेचर टी नोट है तो रेजिस्टिविटी रो नोट, टेम्परेचर टी नोट से बढ़ा के मैं टी कर देता हूँ, तो एट टेम्परेचर टी रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। और फोर कंडक्टर्स ये जो अल्फा होता है ना ये पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल होता है, पॉजिटिव जैसा कि दिखाई दे रहा है और वेरी स्मॉल भी है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब रो विल बी ग्रेटर देन रो नॉट, मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीजेज, तो हमें यहां से ये पता चल गया, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर्स के लिए जो ये अल्फा होता है ना ये पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल भी होता है, ठीक है। तो अल्फा पॉजिटिव होगा, अगर वेरी स्मॉल भले ही हो अल्फा पॉजिटिव होगा तो, जो कि कंडक्टर्स के लिए होता भी है, तो रो रो नोट से ज्यादा आ जाएगा ना, टी माइनस टी नोट ये क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अल्फा पॉजिटिव होता ही है फॉर कंडक्टर्स, वेरी स्मॉल भले ही होता हो, तो
तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज इज, मतलब रो विल बी ग्रेटर देन रो नॉट, ठीक है ना। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो अब देखो एट टेम्परेचर टी नोट, मतलब जब इसका टेम्परेचर टी नोट है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो नोट। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर नोट मान लो, वो क्या हो जाएगा रो नोट इनटू में एल बाय ए। और एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एट टेम्परेचर टी इसकी रेजिस्टिविटी होगी रो। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो आर, वो क्या हो जाएगा रो इनटू में एल बाय ए, सही बात है। तो यहां पे दोनों तरफ एल बाय ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहां लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो रो इनटू में एल बाय ए ये आर हो जाएगा इज इक्वल टू रो नोट इनटू में एल बाय ए, आर नोट हो जाएगा इनटू में वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। मतलब एक तरह से टी नोट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा आर नोट होगा, टी टेम्परेचर पे आर होगा, और ये टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, ठीक है, ठीक है ना। तो अल्फा वेरी स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव तो है ना। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, मीन्स आर विल बी ग्रेटर देन आर नोट, ऑल्सो रो विल बी ग्रेटर देन रो नोट। टेम्परेचर क्या मैंने बढ़ाया है, ठीक है, T is greater than T नोट, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां तक जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर यहां से यहां तक, वो क्या होगा T माइनस T नोट, क्योंकि T T नोट से ज्यादा है ना, और इसको मैंने डेल्टा T से डिनोट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो R को क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू आर नोट इंटू में वन प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहां से अल्फा ये कितना आ जाएगा, R माइनस आर नोट बाय में आर नोट डेल्टा T। ये अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज ऑल्सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ कंडक्टर्स जो अल्फा होता है ना वो वेरी स्मॉल भले ही होता हो लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये अल्फा ये क्या, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, इन केस ऑफ कंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर विद विल इंक्रीजेज ऑल्सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल भले ही होती हो लेकिन पॉजिटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर विल इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहां पे इसके केवल रिजल्ट को लिख लेता हूं मैं यहां पे। ओनली रिजल्ट, केवल रिजल्ट लिखूंगा जो हमने अभी तक किया है।
तो देखो एट टेम्परेचर टी नोट रेजिस्टिविटी रो नोट, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस मान लो आर नोट। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया टी नोट से, बढ़ाकर टी कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज मतलब टी इज ग्रेटर देन टी नोट, तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी हो जाएगी मान लो रो और रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, ठीक है, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किसकी होती है कंडक्टिंग मटेरियल की और रेजिस्टेंस किसका होता है कंडक्टर का या कंडक्टिंग वायर का, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों ही बढ़ेंगे, मतलब रो विल बी ग्रेटर देन रो नोट, आर विल बी ग्रेटर देन आर नोट, ठीक है, और आर क्या आया आर नोट इंटू में वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, टी माइनस टी नोट मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको मैंने डेल्टा टी बोल दिया, तो आर हो गया आर नोट इंटू में वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, तो एल्फा क्या होता है टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आ गया यहीं से आर माइनस आर नोट बाय आर नोट डेल्टा टी, ठीक है। फॉर कंडक्टर्स एल्फा विल बी पॉजिटिव और वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब जैसे कि ऑर्डर की बात करूं 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखो ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे करे, नाम से पता चल रहा है ओबे ओम्स लॉ, और इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया या सिल्वर, ठीक है। आई वर्सेज वी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मतलब मान लो कोई वायर है कॉपर की हो सकती है सिल्वर की, ये वायर है, ठीक है, और ये वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसके क्रॉस, तो आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे होता क्या है इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स बात कर रहा हूं मैं, जो अल्फा होता है ना टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो जीरो होता है, नियरली जीरो या जीरो ही मान लो, जीरो ही होता है, तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा, नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी कोमा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है डीवी बाय डी आई, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट रहेगा इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स, क्योंकि ओमिक कंडक्टर्स के केस में अल्फा जीरो होता है, अगर इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा ना, जैसे कि ये वायर कॉपर की हो सकती है सिल्वर की, तो ऐसा माना जाता है भले ही इस वायर का टेम्परेचर बढ़ जाए ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में भी नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी ही नहीं बढ़ी तो रेजिस्टेंस कहां से बढ़ जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस वैसे होता है ना वो होता है डीवी बाय डी आई, ठीक है, तो इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स ये रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आई और वी में, ये ओम्स लॉ का होता है, मतलब मीन्स आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी,
ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। और रेजिस्टेंस वैसे बोलने में क्या आता है, डीवी बाय डीआई होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इन केस ऑफ ओमी कंडक्टर्स, तो डी आई बाय डीवी, इससे स्ट्रेट लाइन की स्लोप ही तो हो जाएगी हर जगह पे, डी आई बाय डीवी इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप आएगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये खुद ही स्ट्रेट लाइन है। तो डीवी बाय डी आई उसका रेसिप्रोकल वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉन ओमिक कंडक्टर्स का, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है नॉन ओमिक कंडक्टर्स मतलब आई और वी में जो ग्राफ आएगा ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो कैसा आएगा, तो देखो बल्ब फिलामेंट होता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स, मान लो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन होता है और वो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, ये मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया और ये यहाँ पे बैटरी वी वोल्ट की आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊंगा, मतलब एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं यहाँ पे, एज वी इंक्रीजेज आई बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आई वी के साथ लीनियरली नहीं बढ़ेगा, इसलिए तो मैं इनको इसको नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोल रहा हूं। इसमें क्या हुआ, तो देखो मान लो मैंने इस बल्ब के अक्रॉस वी वन वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट आया आई वन, और फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया विद सेम बल्ब वी टू वोल्ट की बैटरी लगाई और करंट मिला सर्किट में आई टू, और मान लो वी टू वी वन से ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो जूल्स लॉ होता है, मान लो यहाँ पे इस केस में इस बल्ब का टेम्परेचर रहा होगा टी वन, इस केस में ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बल्ब का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा टी टू, क्योंकि वी टू वी वन से ज़्यादा है ना, तो टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन, और ये भी पक्का है आई टू विल बी ग्रेटर देन आई वन। लेकिन यहाँ पे बल्ब का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा इससे, मतलब एक तरह से टंगस्टन जो बल्ब फिलामेंट होता है उसका टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मान लो जब उस बल्ब फिलामेंट जो कि टंगस्टन है उसका टेम्परेचर टी वन है, जो कि इस केस में है, तो यहाँ पे होगा मान लो उस बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर वन, और जब वी टू वोल्ट की बैटरी लगाई वी टू वी वन से ज़्यादा है तो आई टू करंट फ्लो करेगा, आई टू ऑब्वियसली आई वन से ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फ्रॉम जूल्स लॉ यहाँ पे बल्ब का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा ना इस बल्ब का आर टू वो आर वन से ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, अलग अलग वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, वो बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग करंट की वैल्यूज मेजर करते जाएंगे, करंट डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो रेजिस्टेंस है ना बल्ब का वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि आर टू आर वन से ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी नॉट जीरो, विल नॉट बी जीरो, विल बी समथिंग, हाँ कम जरूर होगा, जैसे कि 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, पॉजिटिव है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ये पढ़ा था ना अभी, मतलब आर टू आर वन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, बैटरी की वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो करंट डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, फिलामेंट का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और अल्फा पॉजिटिव है तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है ना वो भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा उसी बल्ब का, देख लो। वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, डीवी बाय डीआई, ठीक है ना। यहां पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन वोल्टेज, ठीक है। एज वी इंक्रीजेज ऑब्वियसली आई ऑल्सो इंक्रीजेज, बिल्कुल, लेकिन उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बढ़ेगा। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है जो कि डीवी बाई डी आई होता है वो विल इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आई वर्सेज बी। तो देखो विद इंक्रीज इन वोल्टेज डी आई बाय डी वी क्या हो रहा है, घट रहा है, टेंजेंट की स्लोप घटती जा रही है ना, बिल्कुल। तो जो रेजिस्टेंस होता है डीवी बाय डी आई, इसका रेसिप्रोकल, क्या वो नहीं बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। तो इन केस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स आई वर्सेज वी ग्राफ कुछ ऐसा आता, हाँ विद इंक्रीज इन वोल्टेज डेफिनेटली करंट बढ़ेगा सर्किट में, मतलब बल्ब मोर एंड मोर ग्लो करेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन करंट विद वोल्टेज लीनियरली नहीं बढ़ेगा, ये क्या दिखा रहा है, विद इंक्रीज इन वोल्टेज इस बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और अल्फा पॉजिटिव है इन केस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, मतलब जिससे बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। विद इंक्रीज इन वोल्टेज एक तरह से डीवी बाय डीआई रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ेगा, मतलब डीआई बाय डीवी घटना चाहिए। तो देखो यहां पे डीआई बाय डीवी टेंजेंट की स्लोप घट भी रही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इन केस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स आई वर्सेज वी, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तभी तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो ओमिक कंडक्टर में आओ, एक बार इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, आई वर्सेज वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट क्यों है। तो कोई भी ओमिक कंडक्टर ले लो, जैसे कि कॉपर वायर, वी वन वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट आई वन, अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, वी टू वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट आई टू, ठीक है, वी टू वी वन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये तो पक्का ही है आई टू आई वन से ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे इसका टेम्परेचर टी वन, यहां पे ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टेम्परेचर टी टू हो जाएगा, टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन। लेकिन यहां पे जो रेजिस्टेंस है ना वही रेजिस्टेंस यहीं पे रहेगा, क्योंकि अल्फा जीरो है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो, मतलब इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट रहा, वो रेजिस्टेंस होता है डीवी बाई डी आई, मतलब डीवी बाई डी आई कॉन्स्टेंट रहेगा इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स, तो डी आई बाई डी वी भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा एक तरह से, इसका डीवी बाई डी आई जो कि रेजिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो कॉन्स्टेंट आएगा, तो डी आई बाई डी वी भी कॉन्स्टेंट, तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ना इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स, आई वर्सेज वी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो यहां पे थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स ये क्या होते हैं, तो देखो
थर्मिस्टर्स क्या होते हैं? इट इज एन हीटिंग एलिमेंट जिसका जो अल्फा होगा ना वो वेरी लार्ज होगा और मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ठीक है। अल्फा वेरी लार्ज होगा पहली बात तो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो ये होते हैं थर्मिस्टर्स। पॉजिटिव का मतलब है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़े, और अल्फा नेगेटिव होने का मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटे, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर्स की पहचान है, अल्फा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, और इट में भी पॉजिटिव इट में भी नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नेगेटिव हुआ तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। और अल्फा वेरी लार्ज होने का क्या मतलब है? विद चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी रैपिड चेंज इन रेजिस्टेंस, देयर विल बी रैपिड चेंज, या मतलब काफी ज्यादा चेंज आएगा इन रेजिस्टेंस, अल्फा ज्यादा होने का मतलब, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? कुछ मेटल्स हो सकते हैं या कुछ अलॉयज हो सकती हैं, ठीक है ना। इनकी पहचान क्या होती है सुपर कंडक्टर्स की? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, और जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा, तो बढ़ाता जाऊंगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा। सुपर कंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है। और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? कुछ मेटल्स हो सकते हैं या अलॉयज, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया रेजिस्टेंस घटता गया। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाता गया रेजिस्टेंस घटता गया। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाता गया, रेजिस्टेंस घटता गया। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, रेजिस्टेंस घटता क्या हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, जीरो, ठीक है। तो जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी 4.2 केल्विन है और फॉर लेड 7.25 केल्विन है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाता गया रेजिस्टेंस घटता गया। तो इन केस ऑफ मरकरी क्रिटिकल टेम्परेचर ये है 4.2 केल्विन, इन केस ऑफ लेड क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.25 केल्विन, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स कुछ मेटल्स हो सकते हैं या अलॉयज हो सकती हैं। सुपर कंडक्टर की पहचान क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, ये पक्का है। ये बड़ी अजीब सी बात है, हमने तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या सीखा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, और सुपर कंडक्टर्स कुछ मेटल्स हो सकती हैं या कुछ अलॉयज, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाता गया रेजिस्टेंस घटता गया। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं जिस पे रेजिस्टेंस घटता जीरो हो जाता है। और मरकरी के केस में ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन, लेड के केस में
7.25 केल्विन, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। और ऑब्वियसली कंडक्टर क्या होगा हमारा, नॉन ओमिक होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब अल्फा समथिंग पॉजिटिव होगा, वेरी स्मॉल जरूर होगा। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तीन न्यूमेरिकल्स को। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, नॉन ओमिक ऑब्वियसली, ठीक है। और ऐसा गिवन है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस R20 ये 3.15 ओम गिवन है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसी वायर का जो रेजिस्टेंस है, देखो टेम्परेचर बढ़ाया ना तो रेजिस्टेंस पक्का बढ़ेगा, 3.15 ओम से बढ़कर कितना हो गया, 3.75 ओम, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस मतलब आर नोट वो फाइंड आउट करो, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर नोट, तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R100, तो जिस डिग्री सेल्सियस पे है ना रेजिस्टेंस, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R20 इतना, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R100 इतना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर नोट वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट करना होगा। ये क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज देखो यहां से यहां तक है ना 20 से 100, तो R100 माइनस R20 बाय में R20 इंक्रीज इन टेम्परेचर 100 माइनस 20 80 डिग्री सेल्सियस, R100 3.75 माइनस R20 3.15 R20 3.15, ठीक है ना। तो अल्फा यहां से ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली पर डिग्री सेल्सियस में आएगा, और ये आएगा 0.0023 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ दैट नॉन ओमिक कंडक्टिंग वायर। तो मुझे तो उसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अल्फा इतना है ना 0.0023 पर डिग्री सेल्सियस, अगेन इसी का यूज कर लो, ठीक है। तो देखो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ढूंढो 0 से 100, सॉरी इंक्रीज इन टेम्परेचर ढूंढो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना, सही बात है। 0 से 20 भी ढूंढ सकते हो, यहां पे भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, आपकी मर्जी है। और फिर ये अप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे मैंने 0 से 100 वाला ले लिया, आप 0 से 20 वाला भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, तो आर नोट R100 से कम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब 3.75 माइनस आर नोट बाय में आर नोट, इसी का यूज कर रहा हूं,
इनटू माय डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर 0 से 100, इंक्रीज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आर नोट की जब आप वैल्यू निकालोगे ना, ये आएगी 3 ओम। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। उसी कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना होगा? 3 ओम। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल इसमें क्या गिवन है। मेरे पास एक प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर नॉन ओमिक कंडक्टर होती है ये, ठीक है, प्लेटिनम वायर है। और गिवन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है मतलब आर नोट, ये 5 ओम गिवन है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस मतलब R100, ये 5.23 ओम गिवन है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि नॉन ओमिक कंडक्टर है। और मैंने क्या किया, टेम्परेचर और बढ़ाया, तो एट टेम्परेचर टी रेजिस्टेंस आर टी ये कितना गिवन है, 5.795 ओम। तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ता ही गया ना, यहां से यहां टेम्परेचर बढ़ा, तो यहां से यहां भी टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए। तो टी, ये बात तो पक्की है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। लेकिन ये टी कितना होगा ये फाइंड आउट करना है यहां पे। तो सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट करो, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इन दोनों से आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब 5.23 - 5, इतना इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आया, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब बाय 5, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फा ऑब्वियसली पर डिग्री सेल्सियस में आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 0.00046 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब किस टेम्परेचर पे उसी प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 5.795 ओम होगा, मतलब टी फाइंड आउट करना है। तो अल्फा कितना आया, 0.00046 पर डिग्री सेल्सियस। अगेन यही अप्लाई कर दो, देखो यहां से यहां रेजिस्टेंस बढ़ा ना, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो देखो आप इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मर्जी है, क्योंकि यहां से यहां रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ा होगा ऑब्वियसली, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा ऑब्वियसली। तो टी 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा होगा ही, आप कौन सा भी रास्ता चूज कर सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, मैं जैसे कि ये वाला कर रहा हूँ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 5.795 - 5.23 बाय माय ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5.23, ये वाला आ जाता है यहाँ पे 5.23 बाय में इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब टी माइनस 100। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू निकालोगे ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में आएगी, और ये कितनी आएगी, 345.65 डिग्री सेल्सियस, नियरली इतनी आएगी, नियरली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल, तीसरा और करते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। तो देखो अल्फा क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक प्रेस है। ठीक है,
जो कपड़ों के की जाती है ना प्रेस, इस्त्री बोलते हैं जिसको, वो है। ठीक है, इसका हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? नाइक्रोम। ये भी क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर होता। तो मेरे पास एक प्रेस है और एट 27 डिग्री सेल्सियस जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है? 75.3 ओम, मतलब R27 उस प्रेस का या उस नाइक्रोम एलिमेंट का। 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस मतलब R27, ये 75.3 ओम गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? ये जो प्रेस है मेरी, इलेक्ट्रिक प्रेस, जब इसके अक्रॉस 230 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तो इसमें करंट कितना सेटल हो जाता है? यहाँ पे 2.68 एम्पियर, मतलब 2.68 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ऐसा गिवन है। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है? यहां पे जब कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2.68 एम्पियर, तो टेम्परेचर क्या होगा ऑफ दिस प्रेस, मतलब उससे नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब कितना करंट फ्लो कर रहा है 2.68 एम्पियर। और ये कब करता है? जब मैं 230 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा ना, तो करंट कितना सेटल हो जाता है? 2.68 एम्पियर। तो इस प्रेस का या जो इसके अंदर प्रेस के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है नाइक्रोम, उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना। ठीक है, और एक चीज और गिवन है, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट, ये कितना गिवन है? 1.7 × 10⁻⁴ ठीक है। तो मान लो जब मैंने 230 वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट कितना सेटल हो गया? 2.68 एम्पीयर, ये गिवन है। तब इस प्रेस का टेम्परेचर होगा टी, एक तरह से टी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जब इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा इस प्रेस का, तो इस प्रेस का रेजिस्टेंस R27 75.3 ओम गिवन है। यहां पे इस प्रेस का टेम्परेचर कुछ अलग होगा जब 230 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और 2.68 एम्पियर करंट सेटअप हो गया, लेकिन जब इस प्रेस का जो नाइक्रोम एलिमेंट है या प्रेस है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहा होगा ना, रूम टेम्परेचर एक तरह से, मतलब एक तरह से प्रेस को ऑन नहीं कर रखा। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर है प्रेस का या प्रेस के अंदर जो नाइक्रोम एलिमेंट है, तब उस प्रेस का रेजिस्टेंस इतना गिवन है। ठीक है, और मैंने 230 वोल्ट की अब बैटरी लगाई जिससे 2.68 एम्पियर करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, तो इस प्रेस का टेम्परेचर मान लो टी होगा, वो फाइंड आउट करना है कितना डिग्री सेल्सियस है जब मैं 230 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ऐसा कि मैंने 2.68 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। और देखो रेजिस्टेंस क्या आएगा, फ्रॉम वी बाय आई, 230 बाय में 2.68, मतलब एक तरह से एट टेम्परेचर टी, मतलब जब 230 वोल्ट की बैटरी लगाई 2.68 एम्पियर करंट फ्लो करने लग गया, तब मान लो इस प्रेस का या इस प्रेस के अंदर जो नाइक्रोम एलिमेंट है हीटिंग एलिमेंट, तब उसका टेम्परेचर मान लो टी हो जाएगा। तो एट टेम्परेचर टी इस प्रेस का रेजिस्टेंस आर टी, वो क्या आएगा? वी बाय में आई, R इज इक्वल टू वी बाय आई होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 230 बाय में 2.68, 85.82 ओम आ जाएगा। मतलब जो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मतलब जब मैं 230 वोल्ट बैटरी लगाऊंगा 2.68 एम्पीयर करंट फ्लो करने लग गया, तो इस प्रेस का समथिंग टेम्परेचर होगा।
ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। और उस टेम्परेचर पे इस प्रेस का रेजिस्टेंस आर टी, वो मैंने निकाल लिया वी बाय आई से, कितना 85.82 ओम। ठीक है, और अल्फा ये गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मान लो टी थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ऑब्वियसली होगा अभी, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर हो गया ना, तब वो प्रेस ऑन नहीं होगी, ठीक है ना, तब उस प्रेस का रेजिस्टेंस इतना। लेकिन 230 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2.68 एम्पियर करंट फ्लो करने लग गया, मतलब प्रेस ऑन कर दी और 230 वोल्ट की बैटरी लगाई, तब इस प्रेस का टेम्परेचर होगा टी, ठीक है ना, और तब इस प्रेस का रेजिस्टेंस आर टी फ्रॉम वी बाय आई वो 85.82 ओम आया। तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, तो रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, क्योंकि देखो अल्फा पॉजिटिव है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल, पॉजिटिव तो है ना, तो रेजिस्टेंस तभी तो बढ़ा होगा ना इस प्रेस का, जब प्रेस का टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली टी 27 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा होगा ही। और अल्फा ये इस डेफिनेशन का यूज करो, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जो कि साफ दिखाई भी दे रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा है 85.82 − 75.3 बाय में ये 75.3, और यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, टी -27, ठीक है। तो यहां से जो टी आएगा ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो यहां से टी कितना आएगा, 849 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। तो देखो वो जो प्रेस का जो हीटिंग एलिमेंट है ना नाइक्रोम, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना गिवन है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेस का रेजिस्टेंस बढ़ना तय है, ठीक है। तो जब वो प्रेस ऑफ थी, मतलब जब उस प्रेस का टेम्परेचर क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के बराबर, तो उस प्रेस का रेजिस्टेंस 75.3 ओम। अब मैंने उसी प्रेस के अक्रॉस 230 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी, और ऐसा गिवन है इतना करंट फ्लो करने लग गया, तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस प्रेस का टेम्परेचर बढ़ा होगा ना, तो कैपिटल टी 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पक्का मिलेगा, और वो इतना आया 849 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इस प्रेस का रेजिस्टेंस कितना आएगा, फ्रॉम वी बाय आई इतना, तो देख सकते हो रेजिस्टेंस बढ़ा है, तो ये तो तभी होगा ना जब इस प्रेस का टेम्परेचर बढ़ा होगा। और प्रेस का टेम्परेचर किसके कारण बढ़ा होगा, मतलब एक तरह से नाइक्रोम एलिमेंट का टेम्परेचर किसके कारण बढ़ा होगा, ये जो करंट फ्लो किया ना ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहां पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल टी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये यहां से इस डेफिनेशन का यूज करते हुए टेम्परेचर कितना आया, 849 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब इस प्रेस के अक्रॉस 230 वोल्ट की बैटरी लगाई और मैंने ये पाया कि इतना करंट फ्लो कर रहा है 2.68 एम्पियर, तो यहाँ पे इस प्रेस का टेम्परेचर या प्रेस के अंदर जो नाइक्रोम एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, 849 डिग्री सेल्सियस, तभी तो इस्त्री हो पाती है ना कपड़ों पे। प्रेस को ऑन करते हो तो प्रेस गर्म हो जाती है ना ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो मतलब एक तरह से प्रेस का टेम्परेचर बढ़ गया, अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब पक्की बात है प्रेस का रेजिस्टेंस भी बढ़ा होगा, और बढ़ा भी है, देख सकते हो 75.3 ओम तब था जब ये प्रेस ऑफ थी, 230 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2.68 एम्पियर करंट फ्लो करने लग गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम वी बाय आई, 85.82 ओम। और तब
इस प्रेस का टेम्परेचर कितना रहा होगा? 849 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।